आपका चूंकि दूसरा मशहूर जमाना दूसरा, जिसकी वजह से आपको मैजिशियन का एक खिताब मिला, वो बहुत मशहूर है और हम सब उसके फैन हैं, दीवाने हैं, दीवानगी की हद तक उसके फैन हैं। यानी क्रिकेट की दुनिया में इनका दूसरा मशहूर है तो पहला भी नहीं मशहूर। मेरा पहला वाकई नहीं मशहूर, मैं फिर वो छड़ के दूजा की था। शुक्र है शो की बात कर रहे हैं, शो की, जो ये पहला शो करते थे वो मशहूर नहीं था, जो दूसरा कर रहे हैं ना अभी, ये वो मशहूर है। कैसा कैसा क्रॉस प्रमोशन, जो मर्जी को लोग समझ गए। तो आपके उस दूसरा के नाम पर हमने अपने सेगमेंट का नाम भी रखा है और उसमें हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे और आपको गेस करना है कि दूसरा प्लेयर कौन है उस तस्वीर में। वो आप तैयार हैं सही भाई? ये तस्वीर है, आप लोग भी देख लें गौर से, ये तस्वीर है, इसके पीछे ही सही वाली तस्वीर है, लेकिन वो भी दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। सही भाई आप गौर से देखें, आपको क्या लगता है कि एक तो है शुएब मलिक साहब, कीपिंग पैड पहने हुए, कीपिंग पैड पहने, बिल्कुल एमएस धोनी। ये भी कह रहे थे मेरी धोनी में दर्द हो रही है। कैसे भी हालात, मैंने सेंसर किया। अच्छा ये धोनी को प्यार से बच्चे बेली बटन भी कहते हैं ना। अच्छा मैं पहली सांप रही हूँ, दूसरी भी कहती है ना। हर घर में धोनी पड़ती है। मैं आपको बहुत धोनी है अभी अगर आप लोग पास ना है। सईद भाई अगली पिक्चर ये है, एक तो हमारे मशहूर जमाना लेजेंडरी लाला शाहिद आफरीदी साहब है और दूसरे कौन है आपके ख्याल में? दूसरा आइटम मैं एक्चुअली ग्लव देख रहा हूँ और ये बैट एडिडास देख रहा हूँ, कौन सा बैट, कौन प्लेयर यूज करते थे? कम ऑन, आई थिंक सचिन। यार ये क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। ये तो मेमोरी है ना, याद है नहीं। आपने सचिन का कह के बिल्कुल सचिन बोला, शाबाश। अच्छा अगली पिक्चर जो है ना, ये भी एक बहुत बढ़िया और यादगार पिक्चर है, ये बड़ा एक मशहूर जमाना फड्डा है एक लाला के साथ, हाथ में किसके वो होता है, टैटूज, विराट कोहली टैटूज है, विराट कोहली इट इज, वेरी गुड, वेल प्लेड। अनुष्का इसकी वाइफ है ना जी, बहुत जेलस होती हूँ मैं इस बात। क्यों? अनुष्का को नहीं होना चाहिए था। किसको होना चाहिए? कर लेंदी वेली बैठी। ओ नसीम दे मगर होनी लेंदी, एदे नसीमा जो नहीं हैगा। तो मैं अभी प्रेडिक्शन किया उन्होंने, हां मंगनी भी और फेरे भी, मंगनी भी और फेरे भी। जी जी बहुत मुबारक हो आपको एडवांस में। आखिरी वो हर मुल्क में फेरे 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 गली गली फेरे ने। अगली पिक्चर सईद भाई, लास्ट पिक्चर ये है, एक मिनट मुझे दिखा, शुएब मलिक साहब है और साथ में कौन है आपके ख्याल? उसके भी टैटू बना, शेखर धवन। यार ऐसे इतना थोड़ी अच्छा गेस करता है कोई, शेखर धवन हटे यार, बचाओ यार, लगाओ ठेका। बहुत आला, बहुत आला। आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं जॉनसन अंकल? हाँ मेरा सवाल ये है, पढ़ के कर रहे चीटर, 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 मैं घर से लेके लाया हूँ ना यार, आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा है, उम्र हो गई है ना। तो ये बताइए, जब टूर पे सब बेगम साथ जाती थी तो प्रेशर दूसरी टीम का होता था या बेगम का होता था? एक्चुअली दो दो मैच तो बंदा नहीं खेल सकता ना, तो बेगम का ही प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा क्रिकेट की दुनिया में वाकई आपका दूसरा मशहूर हुआ, रियल जिंदगी में कोई दूसरा मशहूर नहीं हुआ? जी मेरा दूसरा बेटा है। माशाल्लाह भाई इतना अच्छा कवर करते नहीं देखा मैंने आज तक किसी को। सारी रिसर्च है कि मशहूर तीसरा है, हमें दूसरे थे ना पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भी एक सवाल लेते जाए, माफ करो नहीं उनके पास कुछ नहीं। नहीं पूछे, दुआ कर लें, दुआ कर लें, पूछे पूछे क्या मतलब। मेरे अलावा टीम में किसकी इंग्लिश से आप मुतासिर हैं? उमर अकमल की। मतलब वो इनसे बहुत आला भाई, बहुत आला। उमर अकमल इनसे भी अच्छा है जी, थोड़ा थोड़ा बेहतर। अच्छा ये बताइए, शोएब अख्तर का रनर इतना लंबा है, ये बातें ही है सिर्फ? आपने तो करीब से देखा हुआ है। नहीं उनका तो वाकई है ना, बहुत ही तवील रनर, मगर काफी लंबा था और जब वो भागते थे ना, उनका शूज जो है ना वो स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से बन के आता था, क्योंकि उनका फुट जब लैंड करता था तो ऐसे ऐसे होता था, उसका कुशन इतना मोटा, इतने वो पेस बॉलर के लिए काफी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और विकेट आपको पता काफी हार्ड होती है, तो उस पे लैंड करके 160 की स्पीड पे फेंकना, अल्लाह अकबर, ये पाकिस्तानी बॉलरों का ही कमाल। क्या बात है भाई, बहुत बहुत भागते हैं भाई, वो दही मंगाओ लस्सी लेके आता है वो। और रास्ते में बन जाती है। नहीं मैं लेट हो जाते हैं। मैंने शुएब भाई के साथ बल्कि एक ट्रिप भी किया था लंदन का, शुएब अख्तर साहब के साथ, तो वहां पे बड़े किस्से सुनाए, फिर उन्होंने बड़ी इंजरीज उनको रही हैं। किस्से उनके पास काफी हैं। किस्से बहुत हैं उनके पास जो सुनाने वाले हैं, ऑनर नहीं वैसे।
लेकिन वो इंजेक्ट करके और वो प्रॉपर वो जितनी उनको इंजरीज रही हैं और एक बार तो बल्कि उन्होंने बताया कि उनकी पसली टूट गई थी बॉल करते हुए, वो क्या किस्सा है आपको पता है उसका? नहीं मुझे नहीं पता, बट यह कि देखो फास्ट बॉलर हैं और स्पीड इतनी है और भागना भी, वो जाके बाउंड्री के पास उन्होंने 6 बॉल करने हैं तो अगले के लिए भी 3 मिनट ले जाते थे साथ, उसको ये होता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उनका टाइम हमने कवर करना होता तो मुश्किल तो है। अब जैसे मोहम्मद इरफान है देखने में तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना लग रहा है आपको, उनकी हाइट का उनको इतना लॉस था कि उनको हमें रेस्ट देना पड़ता था कि बॉडी के अंदर जान नहीं होती, बिग जो बड़ा लंबा बंदा होता है ना उसकी टांगे इतनी मजबूत नहीं होती, उसके लिए एक्सरसाइज पता नहीं क्या क्या वो ट्रेनर्स ने जो कुछ करवाया डॉक्टर ने जो कुछ किया ये उसके बाद जाकर उसने बॉलिंग की। ओके चलें हम जाते जाते आखिरी लम्हों में एक रैपिड फायर खेलते हैं आपसे जल्दी, अभी फायर करना है अपने थोड़ा छोटे 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 फायर करूंगा छोटे छोटे छोटे। ऑफ स्पिन का मेहदी हसन कौन है? मेहदी आपके अलावा? मेरे अलावा? हमारे हमारे लिए तो आप है सैकी भाई। यस ये बात यार मेरे बहुत फेवरेट है सैकी भाई भी, क्या बात है क्या बात सैकी का स्टाइल, आपका बोल धीमे से बोल करना और मतलब मास्टर, क्या बात है क्या बात है। ओके रिवर्स स्विंग का नुसरत फतेह अली खान कौन है? विक्की भाई। वो यस यॉर्कर्स कौन भूल सकता है उनके, वाओ। लेग स्पिन में नूर जहां का मकाम किसको हासिल? ओए होए ये लेजेंड अब्दुल कादिर साहब, ये है बात। गूगली उन्होंने पहले सबसे पहले याद उन्होंने की। वाओ वाओ वाओ। शेनवान भी उनकी वीडियोस देखा करते थे ना? और मुशी भाई भी ऑफ कोर्स हमारे। तो सुना आप शादी की वीडियो देख के जाते हैं मैच खेलने? कि या अल्लाह जेत जवानी ते लोकां दी खैर है इन्हें मैनु बड़ा बिस्त करो। बैटिंग का शाहरुख खान कौन? मिसबा। ऐसे कैसे? मतलब वो क्रीज पे ही खड़ा रहता था ना। अच्छा। जार लंबी नहीं, लंबी शाहरुख खान की तरह लंबी इनिंग्स खेलते हैं। फिर आपको तौकीर नासर कहना चाहिए था। एडे लंबे पोजेस। स्पीड का माइकल जैक्सन किसको कहेंगे आप? ऑफ कोर्स शुएब अख्तर। ओके पुल शॉट का सुल्तान रही कौन है आपके ख्याल में? पाकिस्तानी और ब्राउड कोई भी हो सकता है। रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग वो पुल बहुत अच्छा खेलते हैं ना, उनकी पुल बहुत अच्छी थी। ब्रायन लारा साहब का पुल भी अच्छा था बट रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छा पुल खेलते हैं, ये पुल पे बहुत अच्छे खड़े होते हैं नहर वाले, ये अपने आप को पुल कर लेते हैं। अपने आप को पुल कर लेते हैं वही बड़ी गल है। रन आउट और रन से सबसे ज्यादा आउट हुए हैं और इनके शहर मुल्तान रन आउट से। मैंने कहा इनके शहर मुल्तान में इतने पुल बन चुके हैं अब तो ये देख के कहते हैं पुल दा पला पुल दिख रहा है। स्वीप शॉट का दिलीप कुमार कौन? यूनुस खान। अरे वाह क्या बात है बहुत आला। मैं अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने तो बहुत ही करीब से देखा, मेरा भी इत्तेफाक है यूनुस भाई को, मैं मेरी जिम में वो वर्कआउट करते हैं साथ, मैं जब भी 2 घंटे वर्कआउट करूं मैं जब पलट के देखता हूं वो भाग रहे होते हैं ट्रेडमिल पे, इतना स्टैमिना है उनका, मैं कहता हूं हमें शर्मिंदा करने आते हैं जिम में, मगर हार्ड वर्कर। ये शुक्र है ट्रेडमिल पे भागते हैं जिम्मेदारियों से नहीं भागते, रोजाना नाश्ते में पराठा खाते हैं हाँ, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल फिट है ना, वो क्योंकि वो निकालते बर्न करते हैं वो। एग्जैक्टली यस। गूगली का आर्नल्ड गुलाम अली खान कौन है? गूगली तो ऑफ कोर्स कादर भाई है ना, हमने इजाद की है, हमने इजाद किया और वही है। यस प्लीज कादर भाई के लिए बहुत सारी तालियां दुआ। ओके अब जाते जाते स्विंग का मार्लन ब्रांडो कौन है? वसीम अकरम। यार मुझे बहुत तालियां बजाओ।